बस ठीक है, हर तरफ ठीक है, ठीक चलता। अब यहाँ भी ठीक बा, वहाँ भी ठीक बा, सब जगह ठीक बा। ठीक है, मल्ले बा पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब समझ गए। ठीक है, मतलब खेसारी भाई, खेसारी भाई मतलब ठीक है। क्या कर रहे हैं खेसारी के साथ यहाँ पे? अभी भैया इसमें रांची पार्टी, रांची में खेसारी भाई जी के साथ शूटिंग करती थी कूल एंड बलवान, जो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। अब इनके ऊपर पारिवारिक फिल्म के बहुत बड़ा ठप्पा लग चुका था कि पारिवारिक फिल्म खाते हैं खेसारी भाई ऐसे नंबर वन पर चलता था। और जो ठीक है बा, ठीक है, और यूट्यूब पर रेटिंग भी नंबर वन चलता था, ठीक है बा। फिल्म सुपरहिट जाती है, यू ठीक है, ठीक है बा। अब फिल्म पर फिल्म आता है, यू ठीक है बा। सीबी पर ठीक है, ठीक है, सीबी पर ठीक है, बिल्कुल चकाचक। और सब ठीक है? कूली कूली नंबर वन में क्या ठीक है? कूली नंबर वन में स्टोरी ठीक, म्यूजिक ठीक, डायरेक्टर ठीक, आई ठीक है, सब हीरो ठीक है, सीबी भट्ट को छोड़कर सब ठीक है। नहीं नहीं, हम तो सबसे ठीक है। अच्छा, क्योंकि यही है, इतने बड़े ठीक है का एक हिस्सा है, हम भी ठीक है होंगे। कैसे बोल दिया डायरेक्टर ठीक है? हमको तो मालूम चला डायरेक्टर ठीक ही नहीं है। नहीं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। अब डायरेक्टर इतना अच्छा डिसीजन दिया मुझे लगे थे तो ठीक है मैं, वरना तो बहुत लोग ठीक है, हम सबसे ठीक है थे, इसलिए ठीक है मैं, हमको ठीक है किया गया। अच्छा, हम लोग काफ़ी देर से ठीक है पर चर्चा कर रहे हैं, आखिर है क्या ठीक है? ठीक है, अभी जल जी का एक गाना आया था कि नून रोटी खाएंगे जिंदगी सही रोटी खाएंगे, ठीक है गाना, मतलब जुबान जुबान पे हर गली में, गांव में, शहर में, देश विदेश में भी ये गाना चल रहा है, पूरा तहलका मचा दिया है। और ये जहाँ तक मुझे लगता है खेसारी जी का ये पहला गाना है जो भोजपुरी ऑडियंस से बाहर, जो मॉस ऑडियंस है, तो हमारे जो मेट्रो सिटी है, शहरी पब्लिक है, उनके बीच में, उनके घर घर में घुस गया, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे घर की लड़कियाँ हैं, बहुएँ हों, वो हर सबकी ज़ुबान पर ठीक है चल रहा है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अपनी रेटिंग दे रहा है, ट्रेडिंग दे रहा है, और हमको लगेगा कि ये ठीक है कि सारे जी के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। आज क्या चल रहा है कूली नंबर वन के सिचुएशन का? चल रहा है कि हम और खेसारी जी वृद्धाश्रम में काम करते हैं, वो भी आते हैं, और वृद्धाश्रम के कुछ लोग हैं माफिया से पैसे लिए हैं, हम लोग ब्याज नहीं चुका पाते हैं, तो माफिया के मार धाड़ करते हैं, सामान बाहर फेंक देता है। अच्छा, कूली नंबर वन फिल्म का नाम है, और स्टार कास्ट के बारे में बताएंगे क्या है? स्टार कास्ट इसमें सबसे बड़े इसमें भी भोजपुरी के सुपर डुपर हिट सुपर स्टार, और इसमें स्टार कास्ट के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। सबसे अच्छी बात है जो डायरेक्टर का तरीका है, बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, इंसान भी उससे अच्छे हैं, और खेसारी जी का काम इसमें अभी तक की सारी फिल्मों से बेहतर है जहाँ तक मुझे लगता है। और काजल जो खेसारी जी की जोड़ी इसमें है, आप लोग को रिफ्रेश करेंगे थोड़ा सा, आप लोग को अंदर थोड़ा कुछ नयापन लगेगी, आप लोग सोचेंगे यार हर बार जोड़ी में दिखता था, लेकिन इस बार जोड़ी में कुछ अलग गया, आपको अलग दिखेगा, बहुत अच्छा। और इसमें स्टार कास्ट में खेसारी जी तो हैं, साथ में काजल राघवानी जी हैं, और हमारे भोजपुरी के बाप कहे जाने वाले गोपाल राधा हैं, उसके बाद संजय पांडे जी हैं जो बहुत ही अच्छे बेहतरीन अभिनेता हैं, और महेश जी हैं, महेश आचार्य जी हैं, और आपका भाई, आपका दुलारा, आपका प्यारा सीपी भट्ट भी है, और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों को बस यही कहना चाहेंगे कि लोग कितना भी असली बोल रहे हैं, लेकिन आप खेसारी जी की फिल्मों को अपनी वरीयता दे रहे हैं, उनकी फिल्मों को सुपर डुपर हिट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप उनको पसंद कर रहे हैं, आप जो देखना चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, बस। ऑलराइट, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप ऐसे ही भोजपुरी को बढ़ा देते रहिए, भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ता रहे भोजपुरी में, और भोजपुरी और आगे बढ़े और बहुत आगे बढ़े। सभी दर्शकों, हमारी तरफ से नमस्कार, प्रणाम, सलाम।